नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, महान आचार्य शुक्रदेव तांको नीति रे पांच प्रकार कथा कहिचंती, जहा आमे सबु बेले अन्य मानक पाखरे गुप्त रखिबार आवश्यकता रहिची, नहले आमे निजे निज विनाशर कारण पलटि जिबा। कारण बेले बेले मनीष निजर जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ भावनारे बोही जाई निज जीवनरे घटिथिबा अनेक किछि घटना समाज आगरे कहि देइथाय, जहाद्वारा निजर भविष्य को से नष्ट कर दिए। जो भाई भाव में मूर्ख व्यक्ति एवं निरीह पुरुष निजर सफलता सुंदरी एवं मोहिनी स्त्री को प्रदान करमानक लगी था स्त्री पर हिं जीवन सफलता आजर ज्ञान निजर बुद्धि निजर वीरत्व को सही स्त्री चरण से संपूर्ण भाव उजाड़ी था। यही मूर्ख पुरुष बड़ गर्वर सहित कहते, जदि से ही स्त्री न था ताहले मो जीवन हुए तो मो किसी हासिल ही करी पारी न थांती। सही स्त्री पाई निजर बापा माँ गुरु भाई भोनी बंधु एवं पूरा वंश को कलंकित कर दियंती। शुक्राचार्य कहिचंती, मनीष किसी कथा विचार विमर्श करी कहिबा दरकार। जड़े बुद्धिमान व्यक्तिर मुहरु बाहरी प्रत्येक कथा लोकमानक उपरे गभीर प्रभाव पकाई थाए। जदि निजर सफलता को कही स्त्री लोकमानक प्रदान करी थाए, तांको आखो पाखरे रही पुरुष माने मध्य सही भली भावरे मोहिनी स्त्री मानक अपेक्षा करी थांती। आउ सेमानक पाई निजर बापा माँ परिवारर मूल्य तांको पाखरे पूरापूरी शून्य हो जाए। ठीक सही भली भावरे शुक्राचार्य पांच गोटी महत्वपूर्ण कथा कही जाइछंती, कि कही बुद्धिमान व्यक्ति अन्य काहाकु निजर गोपन कथा कहिबा द्वारा निजर ही विनाश होइथाए। शुक्राचार्य अनुसारे कौनसी कथा कहिबा पूर्वरु निजर अहंकार को त्याग करिबा दरकार। जदि निजको ठीक लागुछि ताहाले अन्य को कहंतु, जेतेबेले आपण मानकु उचित लागुछि कि कौनसी परिस्थिति को आपण माने बुझी पारुछंती बा बुझी पारुनाहंती, ताहाले कम कथा कहंतु। कम कथारे कम शब्दरे आपणकर भावना को प्रकाश करंतु। समस्तंक उपरे विश्वास करंतु नहीं किंबा समस्तंकु संदेह मध्य करंतु नहीं। तेबे आसंतु जानिबा केउ पांच प्रकारर गुप्त कथा मनीष निज भितरे ही गुप्त रखिबा दरकार। शुक्राचार्य कहिचंती, न कंचिंग दांत मनः शत्रुम नाकनम कस्य चिदुरपम प्रकाशी यनम मनम नचे निसंगीतम प्रभो। एही श्लोकरे से पांच प्रकारर गुप्त कथा विषय वर्णना करिचंती। ताहले आसंतु जानिबा शत्रुता। शुक्राचार्य कहिचंती, जने बुद्धिमान व्यक्ति को निजर शत्रु विषय केबे काहाकु कहिबा उचित नुह। जदि आपणक मन भितरे काहाकु दोषी बोली भावुचंती किंबा आपण मने मने काहाकु घृणा करुचंती, ताहले एकथा अन्य मानकु कुहंतु नाही। आपण जो व्यक्ति को घृणा करुचंती, जदि आपणक सम्मुखर थिबा व्यक्ति सही व्यक्ति को सम्मान करुथाय किंबा तार प्रिय परिजन होइथाय, ताहले सही व्यक्ति जनक आउ आपण को सम्मान करिबो नाही, आउ आपण को नीच दृष्टि देखिबो। निज शत्रु विषय अन्य को कहिले भविष्य रे निजर ही क्षति होइथाय, सेतिपाई निजर शत्रु विषय काहाकु किछि बि जणंतु नाही। मान अपमान। शुक्राचार्य अनुसारे मनीष निजर अपमान विषय काहाकु कहिबा उचित नुह। अपमान परे कहिबा द्वारा अन्य मानक नजर रे से तळकु खसी जाइथांती। निजर प्रशंसा करिले लोक माने तुमकु अहंकारी एवं मूर्ख बोली भाविथांती। विश्वस्त पात्र। जदि आपण केउं व्यक्ति को संपूर्ण भाव विश्वास करुछंती, तेबे काहाकु कहंतु नाही मु मोर स्त्री उपरे भरोसा करुची, अन्य पाखरे कहिबार आवश्यकता नाही, नहले सही स्त्री को लोभ देखाई बा तुमको मिछ कही अन्य माने निज आड़कु नहीं जानती। सेथिपाई निजर विश्वास पात्र लोकमानक विषय अन्य काहाकु भी कहंतु नाही। स्त्रीर चरित्र। जणे बुद्धिमान व्यक्ति निज स्त्रीर चरित्र विषय काहाकु किछि भी कहिबा उचित नुह। केतेबेले निज स्त्रीर गुण दुर्गुण तार सुंदरता तार बुद्धि विचार विषय अन्य पाखरे कहिबा द्वारा निजर ही अनिष्ट घटिथाय। दुइंकर संपर्क को भांगिबा पई सबबेले अन्य माने चेष्टा करिथांती।
ମିଛ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାଣିନାହ ତାହେଲେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମିଛ କହିଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତ କଥା ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ମାନିବେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।